मैं सलाहुद्दीन हुदासी हूँ शहजादा सुलेमान। वजीर आजम पीरी महमद पाशा की जानिब से आपके लिए एक अहम खबर लाया हूँ। मुकर्रमी शहजादे, इंतहाई अफसोस के साथ इत्तला दी जाती है कि तुर्कों के वकार जी इफ्तिखार सुल्तान सलीम खान 22 सितंबर की शब बादस नमाज ईशा चोरलू के मुहाज पर जन्नत मकानी हुए। अब हम वलीहद शहजादा सुलेमान के हुक्म के मुंतजर हैं। मेरे आका सुल्तान सुलेमान, खानवादे अली उस्मान और तुर्क सल्तनत का तख्त आपकी कदम बोसी का मुंतजिर है।
एलेक्जेंड्रा, चलो उठो खाना खाओ। एलेक्जेंड्रा, चलो उठो। भूखी रहेगी क्या? कुछ खा ले, बीमार हो जाएगी। चल। मारिया, एलेक्जेंड्रा, आ जाओ। हाथ मत लगाना इन कुर्कों के खाने को। इनके गलीज निवालों से तो बहुत बेहतर है। चल लड़की, जल्दी उठ, खाना खा। हाथ परे, हाथ लगाने की जुलत मत कर। जिंदा नहीं छोड़ूंगी मैं। क्या कहा तूने? जिंदा नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे। अब कैसे बचेगा तू? आओ भागियो। कैसे हाथ लगाएगा मुझे? जुलत कर। चल लड़की। आप जैसा कहेंगे करेगी। ये तो नादान है, आप इसे खामोश ना करो। इन लोगों से फरियाद, मुझे जिंदा नहीं रहना। मरने नहीं दिया जाएगा। तुम सब सुल्तान की मिल्कियत हो। महल तक जिंदा पहुंचाएंगे तुम्हें, फिर सुल्तान जो चाहे करे। गलत हो जाएगा एक दिन तुम्हारा सुल्तान इस तंबल के तहत। रानी, सब ठीक हो जाएगा। अम्मीजान, दुआ करें कि अल्लाह हमारा सर किसी के सामने झुकने ना दे और मुझे तुर्कों की ताकत और इंसाफ दुनिया को दिखाना नसीब करे। अल्लाह करे तेरा तख्त व ताज बुलंद रहे। मैं हर तरह से राजी हूं और मेरा रब भी राजी होगा तुझसे। खिलत मुंतजर है, खिलत लाओ मेरे शेर की। खजीना मेरी बहन, खुश रहो। मैं सुलेमान, सुल्तान सलीम खान का फर्जंद और वारिस। मलिका आयशा हफ्सा ने मुझे जन्म दिया और तराबजोन का महल शादियानों से गूंज उठा। मगर सद हैफ मेरे भाई उरहान खान और मूसा खान मैदान कारजार में जालिम की वार से कुर्बान हुए। बचपन से भाइयों का गम अपने साथ लेकर बड़ा होने वाला सुलेमान, मैं सुलेमान। जिंदगी के छठे बरस रूमी असातिज़ा के ज़ेरे तरबियत आने वाला, कोख पहमा, सितारा शनास, माहिर आदाद और शुमार, 10 बरस की उम्र में शामिल दस्ताए शाही इस्तंबोल हुआ। मुअल्लिमीन को अपने सवालात से हैरान कर देने वाला, कितने ही राजों का पासदार। मुस्तकिल मिजाजी मेरा वस और सब्र मेरा शियार है, क्योंकि मैं हीरे तराशता हूं। खरा और खोटा एक नजर में पहचान लेने वाला, सीखा और समझा कभी न भूलने वाला सुलेमान। 16 बरस की उम्र में मनीषा में वली अहद की कुर्सी पर बैठने वाला, आज अपने बाबा के तख्त में मुतमक्किन होने जा रहा। हर साथ अदल व इंसाफ की राह पर गामजन, तुर्क सल्तनत का 10वां सुल्तान, मैं सुलेमान। शुक्र है सुल्तान सुलेमान बखैरियत तशरीफ ले आए। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो हम कहीं कि ना रहते पीरी पाशा। अल्लाह ना करे, ये सोचना भी कयामत है। कयामत किस तरह की पीरी पाशा? सुल्तान सलीम का एक सौतेला बेटा भी तो है, आप भूल गए उसे, जिसे दारुल सल्तनत के करीब भी फटकने नहीं दिया जाता। वही जो मशरकी रियासतों में दरबदर फिर रहा है। इस बात के लिए वक्त मुनासिब नहीं है जाफर आगा। उस्ताद यूनुस फरमाते हैं, अल्फाज ही जंग रोकते हैं और अल्फाज ही सर कटवा देते हैं। स
सुल्तान सुलेमान रौनक अफरोज हो रहे हैं। शेखुल इस्लाम जनाब अली आफंदी, वजीर अव्वल मेहमद पाशा, वजीर दोयम फरहत पाशा, वजीर सोयम अहमद पाशा, अमीरुल बहर जाफर आगा, सिपह सालार अली आफंदी, सुल्तान आजम एक खास पैगाम आया है। तुर्क सल्तनत का हुक्मरान सुल्तान सलीम वफात पा गया है और यह भी खबर आई है कि वली अहद होने की हैसियत से तख्त उसके जवां साल बेटे सुल्तान सुलेमान खान ने संभाल लिया है। सुल्तान सुलेमान नौजवान है, उसके बाप ने बहुत से इलाके फतह किए, उसकी हुकूमत बहुत मजबूत और ताकतवर रही, इस्लामी दुनिया का नामवर हुक्मरान था वो। अच्छा तो शेर मर गया मुसलमानों का, लेकिन एक शेर गया तो एक और शेर आ गया। दुआ करता हूँ कि जिस तरह तू तरक्की कर रहा है, इसी तरह तू सब बातों में तरक्की करे और हम भी इसी चर्च में शादी करेंगे, क्योंकि जब भाइयों ने आकर तेरी उस सच्चाई की गवाही दी, मेरा हमारे बच्चे यहीं आया करेंगे, तो मैं निहायत खुश हूँ। मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई खुशी नहीं कि मैं अपने फर्जंदों को हक पर चलते हुए सुनूं। आमीन।
पूछो कौन है कातिल? क्या हमें कातिल? माफी मांगो हमसे फौरन, चल दे। वो इसने तुर्कों को नहीं तातारियों को कातिल कहा है। माफी मांगो अलेक्जेंड्रा, गिड़गिड़ा के, वरना तेरी खैर नहीं। अलेक्जेंड्रा चलो माफी मांगो इनसे, वरना ये कयामत तोड़ देंगे तुम पर। अरे किस कयामत से खौफजदा है? अब कौन सी कयामत टूटना बाकी है? मेरी अम्मी, बाबा, मेरे सारा कुंबा, उनके साथ लिया भी, सबके सब मारे गए और मुझे इनके हाथों बेच दिया गया गुलाम बना के। और फिर इन लोगों ने मेरा सौदा इन नीच तुर्कों से कर दिया। इससे ज्यादा क्या होगा? निकालो तलवार अपनी, उड़ा दो गर्दन मेरी, अब कोई नहीं रहा मेरा। अरके अंगूर है बस और शीरा भरा है नाम, ये खाएंगे सुल्तान मौजम? उठाइए इसे, ले जाइए, खुबानी का मुरब्बा लेके आए फौरन। इन्नल्लाह मा साबिरीन। शकर आगा, सब चखने चखाने में हड़प कर जाओगे? नहीं बना सकते थे तो शाही बदबख्त से मदद ले लेते, क्यों जिद लगा ली कि तखनशीनी के बाद सुल्तान जो अव्वलीन शीरीनी तरावल करेंगे वो तुम्हारे हाथ की होगी? देख लिया ना, नहीं बना सके, हो गए ना तुम नाकाम, शीरे के बजाय सिरके में डिबो दूंगा। चलो अब जल्दी करो, सब कुछ बिल्कुल तैयार है सुम्बुल आगा। पीछे हटो, अच्छा ना बना तो कड़ी सजा दिलवाऊंगा। चलो उठाओ इसे यहाँ से, उठाओ जल्दी यहाँ से इसे। इतना काफी है इसके लिए, खोल दो इसके हाथ और मुंह धुलवाओ, ऐसे लेकर जाएंगे महल में क्या इसको? कहां पहुंचे? क्या आ गया मुसलमानों का जहन्नम? हां देख रहे हो इब्राहिम, आज हम अपने ख्वाब की ताबीर पाने को हैं। हमने कितना कुछ तो खून देखा, कितने आग के दरिया उबूर किए, तब ये दिन नसीब हुए। आने वाले दिन और भी भरपूर और शानदार होंगे सुल्तान मौजूम। सिकंदर आजम को आप एक अजीम शहनशाह समझते हैं, लेकिन मेरी नजर में आप उससे भी अजीम शहनशाह होंगे, देखिएगा। इस ख्वाब पर बस मुझे और तुम्हें यकीन है, देखें किस्मत क्या दिखाती है आगे। आओ देखो, आए हैं नए पंछी। फल्ला कितनी गंदी लग रही है। कतार सीधी, सर ऊपर, सर ऊपर और कतार सीधी करो। देख लेना, महल में झाड़ू पोछे के अलावा कुछ नहीं करेंगे। थोड़ा पीछे, खामोशी इख्तियार करें, इनसे कह दो। लड़कियों, चोंचे बंद कर लो अपनी, चलो अपने अपने कमरों में। क्या कह रहा हूँ मैं, चलो कमरों में, पर काट दूंगा सबके। ये जानू नहीं है, देखो लड़कियों को कितनी खुश है। धोखा खा रही हो इस रंगीनी से तुम। पहले इन लड़कियों को हमाम भेजे और हकीम खातून से बोलिए इनका मुआयना करें। यहाँ जो रह गई है उन्हें नीचे ले जाओ, सुबह देखो। हाथ मत लगाओ, छोड़ दो मुझे, नहीं नहीं जाऊंगी। चुप करो, अच्छा हो अपने गंदे हाथ, मार दूंगी एक एक को, हाल में चाहे तो मार तुम्हारा सुल्तान। कौन शोर कर रहा है? कौन है ये गुस्ताख और बेअदब लड़की? छोड़ दे मुझे, मेरे हाथ है, नहीं जाऊंगी मैं तेरे। तातारियों की तरफ से सुल्तान के लिए तोहफे में आई है। मेरे हाथ छोड़ दे मुझे। इसे हमारे पास लाया जाए।
क्या हुआ? सितारों में कुछ दिखाई दे रहा है क्या? जरा हमें भी बताओ कुछ क्या देखा। वजीर आजम पीरी मेहमत पाशा बारियाबी की इजाजत चाहते हैं सुल्तान आजम। बखुशी। मेरे आका, मैं सल्तनत की मोरे हुमायूं आपको लौटाने आया हूं। हम आपको वजीर आजम ही देखना चाहते हैं पीरी पाशा। पीरी पाशा, आपने सुल्तान सलीम खान की खिदमत दयानतदारी और वफादारी से की है, सल्तनत आपकी ममनून है। मेरी ख्वाहिश है कि आप इसी मनसब पर फाइज रहें। आपकी ख्वाहिश मेरे लिए हुक्म है। बहुत शुक्रगुजार हूं मेरे आका। एक बात और भी है पीरी पाशा। शाहीन वाले इब्राहिम पारगाली को आप जानते हैं? ये आज से मेरे मुकर्रब खास होंगे पीरी पाशा, न भूलिएगा। निगार का अल्फा आयला, चलो शाही खाबगा में हर शय की खूब तसल्ली कर लो, देखो कोई कमी ना रहने पाए। हाय, खुशकिस्मत हो, सुल्तान की खाबगा देखोगी। काश के मैं भी देख सकती। तुम लोग अपने कमरे में जाओ, चलो यहाँ से। आयला जल्दी आओ, चलो निगार तुम भी साथ में आओ, जल्दी 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 जल्दी। छोड़ दो मुझे जंगलियों, छोड़ दो। चिल्ला मत, खामोश हो जा, पुरसुकून रह लड़की। आप जानती हैं कि मुझको जबरदस्ती कैदी बनाया गया है, मुझे जाने दीजिए। आप बाख्तियार हैं, आपके हुक्म से रिहाई मिल सकती है मुझे इस कैद से। इनसे कहिए कि मुझे छोड़ दें, और ऐसा ना हुआ तो जान ले खुद को, मार लूंगी मैं। सुल्तान सुलेमान की मिल्कियत है तू, अब तेरा क्या होगा इसका फैसला वो करेंगे या मैं। ले जाओ उसको। मैं जाकी नहीं सुल्तान मुल्तान की, और कभी मरूंगी भी नहीं। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैंने कहा छोड़ दो मुझे। कसूर माफ फालतू सुल्तान, बहुत जल्द सिखा दूंगी इसे अदब। सिखाइए इसे अदब, और अगर ये सीख ना पाए अतात करना, कड़ी से कड़ी सजा से भी गुरेज ना किया जाए। क्या कहते हैं तुझे? आयला मेरा आका। Thank you.
रहा और ऐसे रखा हो रहा और दे प्रेम कर रहा है मुन्ने मेरे और ले गलम और दे दस मिले दे बेदंग बा किचे नेवी ओक्सेटिया अलेक्सांड्रा اتواني برويت باوكا اترسل لويدا سمتشات اخوانوه لويد مستمكار اگر شکو ده صلاتی حکم رانی جورم کاتی قد بجمع الله خواهی افرین هری من شرم زاری خواهم مکه میں پارگا کے کیونانی ماہی گیر کے گھر مانولیس کے قریب وینس کے ایک نواحی گاؤں میں پیدا ہونے والا ابراہیم 10 साल की उम्र में कैदी बनाकर पारगा से निकाला गया मेरा नाम क्या था कौन सी जबान बोलता था सब भूल गया इसी में आफियत थी वरना यह दिल मुस्तरिब ही रहता कि यह किस अजनबी सरजमीन पर आ गया हूं मेरे आका मैं समझा आप ख्वाबगाह में तशरीफ ले जा चुके होंगे समंदर का नजारा किए बगैर मुझे नींद नहीं आती क्या बात है कोई ख्वाहिश है तो कहो मेरी क्या ख्वाहिश हो सकती आका सुल्तान ने आज मुझे जिस बेशकदर एजाज से नवाजा है लायक नहीं हूं हाँ लेकिन मेरी ख्वाहिश यही है बस ये ख्वाहिश मेरे लिए हुक्म है यही वक्त है तुम्हें अपना खानदान बना लेना चाहिए और ताखीर ना करो मेरा खानदान तो बन चुका अच्छा क्या मुझसे झुक के शादी कर चुके हो आपने कहा था आप मुझे अपना भाई समझते हैं तो क्या ऐसा नहीं है मेरे आका अगर ऐसा मौका मिला तो तुम्हें मुंतखब करूंगा मैं चलो लड़कियों जल्दी करो जाओ अपने अपने बिस्तरों में शाबाश 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 जल्दी करो अपनी जूतियां बाहर उतारो जल्दी करो शाबाश चलो अंदर चलो अपने कपड़े पहनो और सो जाओ कल सुबह सबको नए कपड़े दिए जाएंगे और कल ही से तुम्हारी तरबियत भी शुरू हो जाएगी जल्दी करो शाबाश क्या बात है अलेक्जेंड्रा होश में रहना सीखो एक हाथ में सारा नखरा निकाल दूंगी उठाओ अपने कपड़े सब कान खोल कर सुन लो कोई रियायत नहीं दूंगी किसी को याद रखो ये तोप कापी महल है तुर्कों का शाही महल और तुम हो सुल्तान सुलेमान की मिल्कियत और जो रूसी में बात कर रही थी वालिदाए सुल्तान है और मलिका है सल्तनत की रूसी जबान कैसे जानती है वो करमी खान और गराई खान की नस्ल है
यहाँ वो तुम्हारी तरह कनीज बनकर नहीं आई, वो यहाँ की मलिका है। चलो शाबाश लड़कियों, जल्दी करो, इधर आओ। तो एक बात जान लो कि यहाँ सब कनीज हैं, लेकिन अकल से काम लोगी तो हमेशा कनीज नहीं रहोगी। आदाब सीखो, इताद करो और मुंह बंद रखो। यहाँ जितनी भी लड़कियां हैं सुल्तान की खिदमत के लिए हैं। लेकिन तुम नजर आ गई और सुल्तान तुमसे खुश हो गए, और फिर तुम बेटे की माँ बन गई तो सुल्तान तुम्हें मलिका बना लेंगे, एक अजीम सल्तनत की मलिका। चलो सो जाओ। एलेक्स, क्या कह रही थी वो? कुछ नहीं कहा उसने, चलो सो जाओ। जल्दी ठीक हो गए आपके जख्म, मैं भी मरना चाहती हूं, साथ जाना चाहती हूं आपके। बहुत जुल्म हो रहा है यहां हम लोगों के साथ, मुझे यहां मत छोड़े। तुम वहां नहीं आ सकती अलेक्जेंड्रा, बेटा तुम्हें ही तो हमारा इंतकाम लेना है, जिंदा रहना है, अभी बहुत कुछ करना है। तुम अपना हौसला मत हारना, तुम ताकतवर बनोगी तो हम भी वहां खुश रहेंगे। लियो कहाँ रह गया, साथ नहीं लाया आप लोगों से? लियो वो तो नहीं है हमारे साथ, कहीं खो गया। और मुझसे बिछड़ गए सब, मुझे अकेला ना छोड़े, जिंदा नहीं रहना मुझे अब। रहना होगा तुम्हें, मजबूत बनो। हमारे लोगों का खून बहने से रुकना है तुम्हें, खुदावंद तुम्हारी हिफाजत करे। एलेक्स, एलेक्स, उठो, क्या हो गया? यीशु मसीह, अकेली नहीं मैं, दुआ सुन ली गई। मैं इब्राहिम, पारगा से 10 साल की उम्र में दरबदर होने वाला इब्राहिम, लौट कर कहां जाऊं, और जाऊं भी तो कहां? मंजिल कौन सी है मेरी? क्या वापस लौटना मुमकिन है, या मुकद्दर में आगे ही जाना लिखा है? जहां से आया था क्या अब भी वो जगह मेरी मुंतजर होगी?
कभी देख सकूंगा क्या उसको? कहीं लौटते वक्त दिल दगा ना दे जाए। कभी उस राह से गुजरा तो क्या अपना घर तलाश कर सकूंगा मैं? या वहां से गुजरने वाले राहगीर भी मुझे मेरी महरूमी का एहसास दिलाएंगे? मगर सवाल यह है, क्यों लौटूंगा मैं? क्या रखा है वहां? कोई जरूरत नहीं इब्राहिम, कोई जरूरत नहीं। पहले वालदाए मोहतरमा के पास जाकर दुआ लें। क्या शोर मचा रखा है ये? कब खत्म होगा ये बचपना? आज से तुम लोगों की तालीम शुरू हो रही है। रोजाना मकतब में अखलाक, आदाब, तहजीब और महल के तौर तरीके सीखोगी तुम सब। हर बात तवज्जो से सीखें और अगर इस पे अमल किया तो ये महल बन जाएगा जन्नत, नहीं करेंगी तो जहन्नुम, बल्कि उससे भी बदतर। ये याद रखना। सब आ जाओ कतार में। शाबाश, सर नीचे, सर नीचे। यहां जो बोला गया है समझ गई तुम? जी हाँ, आ गई समझ। अम्मी जान, तख्त संभालने से पहले आपसे दुआएं लेने आया। सुलेमान मेरे शेर हो तू, दिल दुआओं से पुर है तेरे लिए। अल्लाह तेरा हामी और नासिर हो और तुर्क ताबत तुझ पर फख्र करे। जान है मेरी अम्मी जान। माहे दौरा और मेरा शेर जैसा पोता कुछ मालूम है कब पहुंच रहे हैं यहाँ? कमरा तैयार करवा दिया है उनका। वो आते ही होंगे, सफर में है। ماهی دوران ها دیگر آوسته با کریم کل کوانا تواب کم رانا وستم من جانت رمیانه من گستی لزم رو تو چن یک مار ماو بگیم کم اگر آوستین یادی بکم زور مانه ماو مصطفی جان بله مکه سوارم مارا تھوڑی دیر میں جہازوں کی بات بان کھلیں گے اور سمندر کی ہوائیں ہمیں لے جائیں گے استنبول تک۔ مجھے بابا یاد آ رہے ہیں، ابراہیم کی یاد آ رہی ہے۔ کیا ابراہیم بھی ہمارا انتظار کر رہا ہوگا؟ کیوں نہیں، تمہارے بابا، تمہاری دادی حفصہ سلطان، پھپھی خزیرہ سلطان، سب کر رہے ہوں گے۔ کیا امی، وہ محل بہت بڑا ہے۔ بہت مصطفی، بہت بڑا۔ دنیا کا سب سے بڑا محل ہے تو کافی محل، हर तरफ सोने की दीवारों में हीरे जड़े हुए हैं। वो खास कनीज़े हैं। तो खास क्या है? तुम पसंद आ गईं तो तुम्हारी जगह भी वहां होगी। उनके करीब जाने का एक ही रास्ता है जो बादब हो, सिर्फ वही उन तक पहुंच सकता है। देखो कैसे दिखी है। हम्म,
आका, सुल्तान सुलेमान तशरीफ ला रहे हैं। बादशाह, जल्दी कतार बनाओ, चलो चलो, सर झुकाओ सर। सलाम करते हुए भी सर झुका रहे। सुल्तान सुलेमान। दाए, संभल। हुकुम मेरे आका। संभालो इसे, देखो क्या हुआ। महाफिज। मेरे आका, ख्वाबगाह की मुंतजर। मैंने क्या समझाया था? हाँ, कि सुल्तान के जाने तक सर झुके रहेंगे सब, मगर किया ये कि सुल्तान को पुकारा गुस्ताखी से और सोने पे सुहागा ये कि बेहोश हो गई। इसे तो मैं सीधा करूंगा। इसकी जुर्रत कैसे हुई सुल्तान का नाम लेने की? गोया सुल्तान कोई तिफल है जिनका तुमने नाम ले लिया, बदतमीज। मश्की से भरोगी, आज से यही सजा है। हसीन है वो, पुरवकार है। क्या खूब अदाकारी थी, तूने कहां से सिखाई है? एलेक्स, तू तो छुपी रुस्तम निकली। तुझको भी सिखा दूंगी ऐसे मौके पे बेहोश किस तरह हुआ जाता है। चलो। सुल्तान अपने साथ पारगाली को भी ला रहे हैं। इस इब्राहिम धर्मेजी को कैसे अपना मुकर्रबे खास बना सकते हैं? एतराज क्यों नहीं किया आपने वजीर आजम होने के बावजूद? हालांकि आप तो कह सकते थे, जब मेरे मुकाम तक पहुंच जाओ तो खुद कह देना अहमद पाशा, और तुम तो दामाद भी हो, और तुम भी फरहत पाशा, दोनों ही दामाद हो। अस्तग़फ़िरुल्लाह पीरी पाशा, आप गलत समझें। खुशामदीद हसन जान, बाबा के जिगरी दोस्त और राजो के अमारा का सरता माने लगा तो अक्सब किन। زودتر لپادشای اکت خود برس کرده و برایمی پارگایی لشاهین بازی و با کرگیری تایبت لچوار موری عثمانی یکی کم بدستو و آبی ها؟ گورم لطفیم به من کردو، اما بنده جرده سین، بنده فرمان، خوزانی فرمانی پاشا، آسنیش ابره وزیرکم. کوی لکان بنده بندستکان اینه به هیز و برونه پیشو، حالبت اگر پیشان لینه گرد. ایشی زوری ابو؟ هزور
قد وشیار یکی ندوراند همیشه وشیار بو تانوائی نهنا صداوائی لمن دکرد که با دعا آماده بکم جیگای بهش بی حوالی منی پرسی؟ دعای شو لخو دا هره وی بانگ دکرد فرمانی کرده بود به جعفر خان که 200 کشتی جنگی آماده بکند بود با وزیر رودوس حضرت سلطان سلیم خان فرمود حتی دست بسته رودوس در نگرین لبجی چرانه نه حسینه و هیچی ندود به جعفر خانی کابتنی دریا من لمانی سه و آگم لنا برپرساری و تاوانکانی هیه تنانات اوانی که لگل بازگان مصرکانیش کردو اتی ستمه که لگل گونشینکانی رومو حلسکو تکانی لگل تبریزیکان بله حسن جان پیم بله آمه داد پلوری دا صلاتی عثمانی مگر داد پلوری دا صلاتی چیر و کرشمانه نه گورم شتیوان آبی اوشتانی پیز بو بیلی امانه بون بوچی اون دیم پیچو حسن جان چی پیاله هرچیک به تیوه خواهن اختیار گورم من بخوم ازانم حسن جان ازانم ابه چی بکم بسهشت بستونو سی سیویک تا سیویک وسک گورم مصری کان امنگا 3000 سکه کمیان هنوا و تیان که هیچ تکیان با فروش نماو و تیان زفر خان بابا خوی بیتو اگر ویستی گر ما بستینید امرو دستانه و برو کما سیکه قربو کنوا اگی نشو اگر بردن لولات بی سوتینن پاشم چی بولای دادور پی بلن که امانه همو گرکه که این سوتان دوا برو امرو همه به کرنش کردن تن فیرف کم ایسه هم او تن لجیگه خود تن هستن 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 ده خیره 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 خوالم نری خیره بین باشه ایسه پنجه و پل تن تون دنوستن پیکاوا باشه زور باشه ایسه خود تن رست برو خوار برو خوار دی 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 زور باشه زور باشه رست 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 زور باشه 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 زور باشه بزنم کیه کمی کمی که دیکش اها دنوا دنوا اها باشه باشه توزی خوارو کچکن هست نوا ایسه یک نفر یک نفر باشه کچم دستکم چسبینه یکو زور باشه برو خواره و دنه و دنه و دی 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 زور باشه دی توزه تر دوزه تر گوچنت خود دوا دی دی اه زور باشه اه تو دو اینشته که فیرم کردی چی بو دو اینشته که فیر بوی چی بو قدقه قدقه امروف تنیا فری قدقه و تن بوی بله قدقه اه باشه کواتل سا قدقه دانه دوین ایستا قدقه کن دنگ دنگ کردن قدقه سعی کردن قدقه قصو باز قدقه سرپیچی لفرمانکه قدقه پیاو قدقه تی گشتن؟ گلاغه پیاو قدقه یا؟ اوانه قدقه نین چون که اوانه پیاو نین دی پیاون اوانا پاره زری حرام سران واتا خاجه
ای و زور پیکنین ناکره یک دیخش به جیتان بیالی خیلی دستکن به پیکنین ایسته بر دورکن من بخستکن یا چواره تنم خیره کن همو تن لدوه من خیره کن سرتا تو دست پیب که دفتر دار بله بزنم بار دو خزانه شاهانه چونه گورم لسایه سلطان سلیم خانی مرعوم خزانه کمالی پاولیپا او رو 6,380,532 کم من لخزانه ده هیا گورم دهاتی سالانه دولت 10,000,000,000 دو او خبری که زور باشه لبرای پربونی خزانه تو انای ایما بو چون سفر زور ترکت لو 5000 سکزیو کدام انابو بو پیروز کردنی بوند با شا بیبخشم 3000 لنیو سربازکانم بلاو بکنوا 2000 که تریش وک خلات باشه آیا زن بو چی ام نخشه ام رخستو ام ایست شاوی گل دنیای جرد سالات مام بکین ایما ایتر تنیا امپراتوری بالکان نین ایما با اسپکان من لسر خاکی اروپای رش دا غار دین بلگرات بودا بیست وین روم شرم شیرکان من اچخین این بدلی کافر اروپای کاندا هل بد روشالات من لبیر ناچید سنورکان من حتا در خزر بی انشاءالله با پشت بستن مخوای گورو دا سلاتی لبن ها توی ایوه گورو دجمن ایما شای اسماعیل نیا دجمنکان ایما شارلکن فرانسوی هنری تودرو کافرکانی واتیکانن یا کم آمان زیم رو دوسا مدیترانا بیت دریاچی عثمانی هیچ کس بی ازنی اما بادوانا که حل ناکت آلا که حل ناکت ابین با متکان ابین با هورا گرمیان Посмотри. Это красивая девушка. Это и ночь не стала. Сенжой султана. Они занимались любовью? Да. Тульчих сабкен. Руси кадагая. Дей ксан, хуарден тауабу. Халсен дей. سلطان چون بو؟ بیگیروا منالت لبه؟ وکو خونوا بو قوز، مهربان انشالله من دالم لبه به نزاده کم دوباره منی بوی تا دی؟ سلطان جنی که زور جوانی هیم دایی که شهزاده مصطفی هیم ماهی دورانی سلطان ام جنه لکیو الیره هیم؟ بم زوانه لمانی ساوا دینوا زو که آیشه سلیمان شتیکتن پیویس نیا گورم من هم دیکارم پرگای تو توانی بروی بیانی یکم کوبونوی دیوانی ایویا هموان اینوی بریارکانی ایو ببیستن
برای تو دنیا آماده ای اویه که برای رکن من بیسته ملک عثمانی آماده ای برایم बिल्कुल अपने वाले पर गए हैं सुल्तान सुलेमान आलीशान और समंदर जैसे गहरे माशाल्लाह माशाल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं अल्लाह के इस्मे आला से आगाज करता हूं आज अपने इस पहले दरबार का ये तख्त ये इक्तदार सिर्फ और सिर्फ कानून इलाही के ताबे है हमारी मुकद्दस किताब कुरान नेकी और इंसाफ का हुक्म देती है तुर्कों का इंसाफ और सुल्तान सुलेमान का इंसाफ हुक्म कुरान पर कायम है 600 मिस्री खानदान यहां अपने वतन से दूर मुश्किल में मुब्तला हैं लिहाजा वो मिस्री आज के रोज से आजाद हैं वो जब चाहें अपने वतन मिस्र वापस जा सकते हैं उन मजलूमों को हर मुमकिन सहूलतें देंगे हम ईरान और तबरेज के ताजिरों पर से भी पाबंदियां उठा ली जाएं उन लोगों ने जो नुकसान उठाया है उसका हर्जाना अदा कर दिया जाए इसके अलावा वो जिसने ये ज्यादतियां की हैं चाहे वो कोई भी हो पेश होकर अदालत में अपने किए की सजा पाएगा कुरान दो भाइयों के दरमियान भी इंसाफ करने का हुक्म देता है इस्लाम में खून का बदला खून है सो इंसाफ यह है कि बेगुनाहों को अजियतें देने वाले अनातोलिया में किसानों का खून नाहक बहाने वाले काहिर जरपरस्त नासूर वतन दुश्मन कौम सुन ले अमीरुल बहर जाफर आगा तू गुनागार है इसलिए ऐ नीच इलाही इंसाफ के मुताबिक सजाए मौत का मुस्तहिक है तू सुल्तान रहम मेरे आका रहम आपको हासिद ने गुमराह किया रहम का है मुझ पर आका ये सब झूठे इल्जाम है आपको खुदा का वास्ता रहम करे मेरे आका दुश्मनों की साजिश है ये सुल्तान झूठ है ये अल्लाह सुल्तान मेरे आका रहम कुछ करो पारगली रहम करा दो मुझ पे सुल्तान से सिफारिश ये तुम्हारे लिए मकफात अमल है जाफर आगा चिल्लाओ मत मर्द बनो जाओ मक्तल सुल्तान के किए हुए इंसाफ में रहम की कोई गुंजाइश इंसाफ नहीं किया सुल्तान ने झूठे इंसाफ ने सजा सुना दी मेरे अल्लाह हरम की लड़कियों की तरबियत से तुम्हारी जिम्मेदारी अदाया कहो उस गुस्ताख रूसी लड़की का क्या हुआ क्या तरबियत कर रही हो तुम इसकी तेज लड़की है बहुत जल्दी सीख रही है चालाक है लोमड़ी की तरह चालाक नहीं याद रहे हमें अतात गुजार चाहिए जैसे तुम हो मगर वो लड़की दिलकश है अम्मी जान दिलकशी आरजिश है खजीना कितने ही दिलकश चेहरे थे वक्त ने सबको छीन कर इबरत की तस्वीर बना दिया जिन्हें क्या हुआ सुम्बुल आगा वालदाए सुल्तान आका सुल्तान सुलेमान ने अमीरुल बहर जाफर आगा के लिए सजाए मौत का हुक्म जारी कर दिया है मेरा बेटा जहीन है उसने सोच समझ कर फैसला किया होगा और वो जो फैसला करेगा सही करेगा सुम्बुल आज शाम इंतहाई नफीस पकवान तैयार होने चाहिए मेरे बेटे के लिए कोई कसर नहीं छोड़नी तुम्हें और साथ रक्स नाज होना चाहिए हरम की सबसे खूबसूरत कनीज़े हाँ यू करना मुकर्रब खास इब्राहिम को साथ रखना कनीज़े वो करेंगे मुंतखब सुनो लोगों सुनो खुशखबरी सुल्तान सुलेमान ने रियाया पर महसूल की अदायगी कम कर दी
और तनख्वाहों में इजाफा कर दिया। सुल्तान जिंदाबाद, 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 साया हम पर सदा कायम रखे। ओ सुबह बखैर शकर आगा, आइए तशरीफ लाइए, शरबत और नाश्ता मंगवाइए। जाओ नाश्ता लेकर आओ जल्दी। जाइए आप लोग, गंदम और चावल का मुआयना कीजिए। आगा देखें आज सुबह ही आई है ये, आप ही की नहीं रखी थी। सरासर गलत, कुछ नहीं तो 3 दिन पुराना मुर्गा है ये, इसलिए कि गर्दन का खून जमा हुआ है और तुमने इसके दिल कलेजी अलहदा कर दिए है ना। मैं फौरन यहाँ लेके आ, चल जी अभी लाए। सुल्तान सुलेमान अपने वालिद से तेज तर फैसले कर रहे हैं, जाफर आगा को फांसी होकर ही रहेगी, देखिए आगे क्या होता है। तुम्हें अंदाजा था ये फैसला होगा आगा जान? नहीं, बस मरहूम के आखिरी दिनों का पूछा। आखिर औलाद है, परेशानी फितरी है, पूछा बहुत तकलीफ हुई बाबा को। बस यही, हमारे बारे में कुछ नहीं पूछा? नहीं कुछ भी नहीं पूछा। सुराही को ऐसे पकड़ेंगे, आहिस्ता से झुकेंगे, ऊपर नजाकत से हाथ रखेंगे, झुक जाएं, एतमाद से पकड़ी दोनों हाथों से, आहिस्ता से भरी, ठीक है? हां दोनों हाथों से भरोगी, चलो फिर से करो। खामोश। ये कौन है? अरे इसे छोड़े, अलेक्जेंड्रा रूसी एक सरफिरी लड़की है। रूसी? रुतेनिया की बुनियाद परस्त पादरी की बेटी है वो। थोड़ा सा ऊपर, हाँ मुझको याद है, दोनों हाथों से। रूसी अलेक्जेंड्रा? जी बिल्कुल, गांव पर तातारियों की यलगार के बाद कैदी बनी थी, फिर दूसरे कबीले को बेची, वहां से यहाँ आ गई। जब आई थी उस वक्त देखते आप इसकी हालत, कितनी खुदसर, कितनी बदतमीज थी, लेकिन अभी सिखा रहा हूँ इसे सारे आदाब। इस रूसी को तैयार कराओ सुम्बुल। अलेक्जेंड्रा को? हाँ। और इसके साथ वाली भी, छोटे कद वाली? हाँ। और वो पीछे वाली भी जो बार बार हमारी तरफ देख रही है, वो जो मुस्कुरा रही है। बतरकची आ जाओ, हाथ थुड़वाने से पहले शरबत पीते जाओ। अरे कल तक तो पहुंच ही जाएगा ये। सुनो सुनो आओ यहाँ बैठो। अरे बैठ जाओ। ये टांग में क्या कर लिया? कुछ नहीं, गिर गया था, इन लोगों ने तो तमाशा ही बना लिया, बेशर्म। उस तरफ का मौसम कैसा है मतलब जी? अच्छा है, ये देखो फौज समंदर की तरफ आ गई है, बहुत सी तोपें जहाजों पर लगा दी गई हैं, बस सुल्तान सुलेमान का इंतजार है जंग पर रवाना होने के लिए। लश्कर मैदान हुमायूं में जमा हो रहा है, ये देखो। बतरकची के लिए जल्दी लेके आओ शरबत। हाँ शुक्रिया। बुरा मत मानना, ये जो इतनी मेहनत कर रहे हो उसका क्या फायदा होगा तुम्हें? सुलेमान नामा लिख रहा हूँ मैं, पूरी तारीख लिखी जा रही है तस्वीरों की सूरत में। सुल्तान चले जाएंगे, हम भी चले जाएंगे, मगर ये बाकी रह जाएंगी। कुछ समझे शकर आका? सुनो सुनो लोगों, एक ऐलान सुनो, सुल्तान सुलेमान ने अमीरुल बहर जाफर आगा को सजाए मौत का हुक्म दिया है, उसका सर कलम किया जाएगा। एक और खबर, मिस्री ताजरों को माफ कर दिया गया है, अब वो लोग अपने वतन वापस जाएंगे। सुल्तान सुलेमान जिंदाबाद, सुल्तान सुलेमान जिंदाबाद। ये महल बहुत खूबसूरत है अम्मी, ये महल मेरा है ना? हाँ बेटा तुम्हारा महल है, हमारा महल है। मैं तो यहाँ खो जाऊंगा, फिर मैं आपको ढूंढूंगा कैसे? मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, डरो नहीं, चलते हैं, अब दादी इंतजार कर रही होंगी। मादर मलका के हुक्म पर आज शब महफिल तरफ का एहतमाम किया जा रहा है, मैंने और सुम्बुल आगा ने आपकी खिदमत के लिए कुछ कनीजें मुंतखब की हैं। कल आपको देखकर होश खो बैठने वाली अलेक्जेंड्रा भी शामिल है उनमें। क्या तुमने बात की थी उस कनीज से? मेरी इतनी मजाल?
सुंबुल आगा से इतना ही मालूम हुआ है कि रुतिनिया से आई है, यानी रूसी है वो। सुल्ताने मौज़्ज़म, शहजादा मुस्तफा आ गए हैं, वालदाए सुल्तान के कमरे में हैं। मुबारक हो मेरे आका। खैर मुबारक, मैं जरा अपने बेटे से मिल लूं, बाद में बात करते हैं। मुस्तफा मेरी जान, तुम मुझे कितना याद आ रहे थे, जिगर पारे मेरे। याद किया था मुझे? हाँ किया था। बाबा कहाँ है? मुझे बाबा के पास जाना है। तुम्हारे बाबा अभी मसरूफ हैं, कुछ देर सब्र करो, है ना खजीना पुप्पो? हाँ मुस्तफा। मैं हुक्म देता हूँ, मुझे फौरन वाले जाया जाए। क्या ये महल मेरा नहीं है अम्मी, तो मेरा हुक्म माना जाए। एक 5 साल का बच्चा और ये अंदाज़े गुफ्तगू, क्या सिखाया है तुमने? चुर्रा देखिए। माफी चाहती हूँ आपसे वालिदा। यहाँ आइए मुस्तफा, आइए। तुम्हें याद रखनी चाहिए ये बात मुस्तफा, सुल्तान सुलेमान खान का है ये महल। किसका है ये महल बोलो? सुल्तान सुलेमान ही मालिक है इसके। ऐसी कोई बात नहीं करोगे आइंदा। जाओ जाके खेलो बच्चों में, इसको ले जाओ। मुस्तफा भी नादान है वालिदा, यूं ही कह दिया इसने। माफ कर दीजिए। शहजादों की तरबियत इस तरह करते हैं? तुम्हें ध्यान रखना होगा। तुम देख रही हो इनके खूबसूरत लिबास और इनके जेवरात, ये सब की सब मखमली खूबसूरत सचे सचाए कमरों के अंदर रहती हैं। हाँ, एक है हम, मारिया। हमारा हाल कितना बुरा है, एक दिन जरूर हम दोनों भी वहां होंगे। सुल्तान की बीवी और बेटा पहुंच चुके हैं यहाँ। माए दौरा सुल्तान, खूबसूरत खातून है। मेरी तरफ से जहन्नुम में चाहे वो औरत। चुप हो जाओ, तुम्हें खुदा का वास्ता है। वो लोग तो इधर ही आ रहे हैं, तुम्हारी बात तो नहीं सुन ली। तुम और तुम, मारिया अलेक्जेंड्रा, चलो तुम दोनों। क्या सजा दे रहे? हमको जिंदान में तो नहीं डाल रहे? फजूल बातें ना करो, शाम को महफिले तरब में तुम सुल्तान का दिल बहलाओगी। रक्सो मौसीकी जानती हो ना तुम दोनों? रक्से तरब इस तरह, ये देखो इस तरह, ये इस तरह, ये देखो ऐसे ऐसे नाजु अंदाज से। चलो बहुत हो गया रक्स, चलो। मुस्तफा, मुस्तफा बहुत याद आ रहा था मेरा बेटा। मेरा बेटा, मेरा मुस्तफा। खुश आमदीद, कब से इंतजार था। चश्मे मा रोशन दिले माशा। इब्राहिम कहाँ है? मिल रहे उससे मुझे? फिर सही, आप लोग थके हुए आए हैं इसलिए महल सरा में जाके आराम कर लीजिए सरा। कुलशा मुस्तफा को सुला दो, बहुत रात हो गई। अभी नहीं सुनूंगा, बाबा आ रहे हैं इब्राहिम के साथ। मुस्तफा आहिस्ता बोलो, सर में दर्द हो रहा है। कुलशा सुना नहीं तुमने? चले शहजादे। छोड़ दो मुझे, हुक्म है ये मेरा। जो हुक्म आका, जो हुक्म शहजादे। खुश आमदीद। मुस्तफा बड़ा हो गया है माशाल्लाह। कुछ चाहिए आपको? नहीं।
रख तो बेशकीमत है, टूट सकता है। कहीं तो कनीजों को भेज दूं मैं, वो एहतियात के साथ कर लेंगी। जरूरत नहीं, आज पहली रात भी आप तन्हा हैं। शब को महफिले तरब सजेगी आका के लिए, मौसीकी, रक्स, बहुत कुछ होगा। सच कह रही हो? किसके कहने पे गुलफाम? वालदे सुल्तान ने हुक्म दिया है, आपको इल्म नहीं? कनीजो, उठाओ ये सब यहां से, कितनी सुस्ती से काम कर रही हो, चलो जल्दी। जब मेरी जरूरत नहीं तो मैं चलती हूं, आप आराम कीजिए। सजावट की है तुम्हारे कमरे की, पसंद आया तुम्हें? ये तुम किन सोचों में खो गई? हमें अकेला छोड़ दिया जाए? किस्सा क्या है, कहां खोई हो तुम? वाले तो आज महफिल सजानी जरूरी थी, आज तो हमारी पहली शब है। तो क्या उन्हें इजाजत लेनी होगी? तुम शहजादे की मां हो, सुल्तान के सबसे करीब तुम ही हो। कितनी लड़कियां हैं जो तुम्हारी मसनत छीनना चाहती हैं तुमसे। गुटगुट के रोना छोड़ो, मजबूत बनो, वरना माजी हो जाओगी एक दिन। समझदारी से काम लो और सुल्तान की तरहदार बेगम बनो। माफी चाहती हूं वालिद, आपका दिल दुखाया। इन मामूली बातों से मेरा दिल नहीं दुखता।
अच्छा आप जाके सो जाओ, कल एक नई सुबह होगी। बहुत ही खास रुमाल है ये, इसे जान से भी अजीज रखना। मुकद्दर की कुंजी है ये तुम्हारी, कल इसी के तुफैल गुजारो की शबे खास। मैं समझी नहीं, कल रात क्या है? निगार काल्फा, सुल्तान तुम्हें इज्जत बख्शेंगे कल रात खलवत में। खलवत? सुल्तान पर जादू चल गया है तुम्हारा? इस रक्स के पीछे यही मकसद कार फरमा था तुम्हारा, खूब समझती हूँ। मासूम बनने की कोशिश नहीं करो अलेक्जेंड्रा। अलेक्जेंड्रा, तुम्हारी जुल्फों के दीवाने हो गए हैं सुल्तान, तुमसे तो डरना चाहिए। हाँ, जलन हो रही है तुम्हें क्या? अदालत सुल्तानी में सिपाही कित खुदसी की गवाही और तफ्तीश से मिलने वाले सबूतों की रोशनी में बेगुनाह अवाम पर जुल्म सितम करने और खून नाहक बहाकर अल्लाह की जमीन पर फसाद फैलाने वाले तुर्क सल्तनत के एक आला ओहदे पर फायज शख्स जाफर आगा को सजाए मौत का हुक्म जारी हुआ। इस हुक्म पर फौरी अमल दरामद किया जा रहा है। तो फर्जन सुल्तान खुश हुए महफिल तरफ से। अलेक्जेंड्रा को दिया है काशनी रुमाल, उस लड़की ने ऐसा रक्स किया और वो अदाएं दिखाई के एक पल के लिए तो मैं भी जैसे भूल ही गई सब कुछ। रुमाल अदा कर दिया है यानी अलेक्जेंड्रा का खास ख्याल रखना होगा। उसको आज शाम अच्छी तरह बना सवा दो। अलेक्जेंड्रा तुम ही हो? तैयार हूँ, चल रही हूँ मैं। छोड़ दो ये सब यहीं, जरूरत नहीं है इसकी। पीछे आओ मेरे।
आप तैयार हैं बुस्तान जी बाशी? जी मुकर्रबे मोहतरम, अगर आका की इजाजत हो तो जल्लाद हुकुम की तामील करें। बस तुम्हारी कमी थी मियां एलची, लेकिन देर कर दी, खेल तो खत्म हो गया सारा। इन सब को समेट कर संदूक में डालो। चलो, मुंह क्या देख रही हो मेरा? मैं काम पसंद नहीं आया क्या? अपनी मर्जी का काम चाहिए? जरा होश से एलेक्सेंड्रा। आका सुल्तान सुलेमान की बेगम है माहिदौरा सुल्तान। तलाशी दे दी है आपने? जमहूरिया वेनिस के एलची तमासो मोचे नीगो। तुर्क सल्तनत के 10वें बादशाह सुल्तान सुलेमान खान को तख्त नशीन होने पर जमहूरिया वेनिस की जानिब से मुबारकबाद पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि माजी में हमारे जो खुशगवार ताल्लुकात थे वही मुस्तकबिल में भी रहेंगे। इनकी नेक ख्वाहिशात आपने कबूल फरमा ली मेरे आका। दुश्मन होने के बावजूद काबिल एहतराम है आपकी हर जायज ख्वाहिश, लेकिन इश्तियाल अंगेज बयान से गुरेज करें और एहतराम करें हमारे कानून का।
वरना il sultano ringrazia i vostri più sentiti auguri. Durante questo io vi farò di pace. Certo che il sultano Sulimano accetti i suoi migliori auguri, ma parla anche di un dettaglio molto importante. Vuole che Venezia mantenga le sue promesse senza avvisare nessuno e rispetti la nostra giustizia. Ho capito, ma conio mai ti parlo cose per la stessa lingua. È la mia madrelingua. Mia madre era veneziana. Pargali, इनसे पूछिए कि शाकलेन और फ्रांस के दरमियान जंग कब छिड़ेगी और इनमें से ज्यादा ताकतवर कौन है और ये कि वेनस किसकी हिमायत करेगा। Quando iniziare? Sultan Safiro se इस तरह कभी बात नहीं करते। तौबा तौबा। Quella Pakistana Venezia. Deo ci sani da queste guerre di modo. हम नहीं चाहते कि किसी सूरत जंग छिड़े और हमें उन दोनों में से किसी एक की तरफ झुकने पर मजबूर होना पड़े। शाकलेन को तो रोम का हुक्मरान बनने की हवस है, वो तो बहुत जल्द या शायद कल ही जंग छेड़ दे, लेकिन अभी हमारा उनकी जंग से अलग रहना ही ठीक रहे। Carlo Quinto vuole essere imperatore a più presto. देखो तो इस मुकर्रब को कैसे उलझा रहा है, कैसा बेअदब है, कहां से आ गई इतनी जुर्रत? कहां से आएगी, सुल्तान ने दी है। जालिमों को आपस में ही लड़ने दिया जाए, छोटी रियासतों को जमा करके भी आप इटली को मुत्तहिद न रख सके, वो आपको मिटा देंगे। उधर वेनिस, नेपोली और फ्लोरेंस में पापाइयत की कुवत खत्म हो चुकी है, तिजारत कैसे करें इतनी कमजोर हुकूमत से? मजबूत तिजारत मजबूत हुकूमतों से होती है। सुल्तान मुअज्जम, आपकी ताकत को हम जानते हैं, मशरिक से सारी तिजारत तुर्क ही करते हैं, इसके अलावा रेशम और खुर्दनी अशिया भी आपकी ही सल्तनत से गुजर कर आती है। इन्हें बता दीजिए कि मगरिब और बोहरे रोम की तिजारत भी हमारे रास्ते से होगी, क्योंकि बोहरे रोम अब हमारा है। कहाँ थी तुम? सुल्तान की बीवी के साथ। क्या? एलेक्स वो मलिका है यहाँ की, क्यों, क्या जरूरत थी जाने की? कहती मैंने उससे अपने दिल की बात कि आज से तुम मलिका नहीं हो, भूल जाओ उसे। बस एक रात के लिए नहीं, बल्कि हमेशा के लिए उसकी बीवी बन के रहूंगी मैं। सुलेमान ऐसा दीवाना हो जाएगा मेरा। क्या कह रही हो एलेक्स? वो तुम्हें समंदर में फिंकवा देंगी और मछलियां तुम्हारे टुकड़े करके तुम्हें खा जाएंगी। तुम क्यों गई थी वहां? उसने बुलाया था, चली गई। ओह भाई जाहिल, डर गई। एलेक्स, तुमसे तो खौफ आता है, आखिर चाह क्या रही हो? ये चाहती हो कि यहाँ क्यों खड़ी हो? हमाम क्यों नहीं गई एलेक्जेंड्रा? शाम होने वाली है, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई। चलो लड़कियों, तुम सब भी उठो, चलो। हमें मुलाकात करना पड़ेगी जोशवा से, तिजारती मंडी के बारे में सही मालूमात की जरूरत है, हमें तफसीलात जमा करनी है। देखते हैं अब ताजिर क्या कहते हैं इस नए सुल्तान के बारे में। क्या बताऊं क्या हालत थी उसकी, काटो तो लहू नहीं जाफरागा में जैसे, चलना भी मुश्किल हो रहा था उसका। अरे भाई, ये तो दुनिया की सजा, अब अल्लाह की अदालत का सामना करेगा। हाँ, अल्लाह की अदालत से पहले सुल्तान सुलेमान की अदालत है। देखा कैसे पकड़ा उसको, कैसे सर कलम कर दिया जाफर का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वेनस का एलची भी वहाँ था, तुम हालत तो देखते है इसकी। अरे आइए मोचे निगो, बैठिए, आपको शरबत पिलाएं। आपका शुक्रिया मतरक जी साहब, जोशवा साहब से कुछ काम है हमें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसी के पास जाओगे तुम, जाहिर है यहूदी सर्राफ के होते हमें कौन पूछेगा। आह, जही इज्जत जही नसीब तुम आसो, तशरीफ रखिए। क्या अहवाल है जनाब जोशवा, काम कैसे चल रहा है, मंडी कैसी जा रही है? जी माशाल्लाह माशाल्लाह बेहतरीन, नए सुल्तान के आने से मंडी में गोया नई रूप फूंक दी गई है, सोना तो ऊपर ही ऊपर जा रहा है, इकबाल बुलंद हो सुल्तान सुलेमान का। ये कहा उसने,
कि बीवी बनकर सुल्तान को हमेशा के लिए अपना गुलाम बना डालेगी वो। जी बिल्कुल यही कहा है उसने, खुद सुना है मैंने। हम देख लेंगे जा सकती हो, उस गुस्ताख पर नजर रखो, जरूरत हो तो सबक सिखाओ। माहे दौरा कर यहां भेजो। Bugün huzuruna kabul edildiğimiz Sultan Süleyman beni çok iyi karşıladı. Genç, yakışıklı biri. İnsanı etkileyen kararlı gözleri var. Sakin, kendinden emin hali, babasının sert ve asabi mizacının tam tersi. Mesafeli ve soylu bir görünüşü var. Tahta çıkışı yeni olmasına rağmen hızlı kararlar alıyor ve hemen uyguluyor. Halkı şimdiden kazanmış. Şaşırtıcı olan bir diğer husus da bizim dünyamızı çok yakın takip etmesi ve Charles'ken Fransa ilişkilerinin geleceğiyle ilgili şöyle diyor. Savaş çıkacak aranızda ve ben Akdeniz'e sahip olacağım. शरबत। शब तुम्हारी किस्मत का सितारा चमक सकता है। आका के हुजूर मुकम्मल फरमा बरदार रहना है तुमको। Thank you.
तखलिया। ठहरो जरा। گورم قرار باشه تا قناکتان هاتوه.